कैलकुलस का न्यू चैप्टर है जो हम लोग चालू करेंगे। हम लोग तो कर्वेचर का काम हो गया, और अभी जो नोट था वो नोट देखना भेज दिया है, एक बार देख लेना, वहां पे कुछ क्वेश्चंस तुमको मिल जाएगा। देखो जो न्यू उसके बाद जो हम लोग चैप्टर करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, ये चैप्टर का नाम है एनवेलप। हाँ, एनवेलप सर, एनवेलप क्या होता है? देखो एनवेलप क्या होता है कि एक फैमिली ऑफ कार्व्स है, ठीक है, एक फैमिली ऑफ कार्व है। सपोज देखो, मैं समझाने के लिए मानो कि मैंने एक फैमिली ऑफ कार्व ऐसा लिया कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ओ एक्स और ओ वाई। हाँ, मैं पहले कर्व ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सपोज मैं पहले एक कर्व ड्रॉ कर ले रहा हूँ, मानो कि कोई एक कर्व है। अच्छा, इस कर्व को कुछ फैमिली, एक कर्व जो है देखो, जैसे एक फैमिली ऑफ कर्व है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, एक फैमिली ऑफ कर्व है, ऐसे करके एंड सो ऑन। और भी कुछ फैमिली ऑफ कार्व हो सकता है। हाँ, देखो कुछ फैमिली ऑफ कार्व्स, ये फैमिली ऑफ कार्व है, देखो एक कार्व है, फैमिली ऑफ कार्व बोलने का मतलब है, सपोज देखो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा है अभी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बट मैं बीटा ना करके मैं वाई माइनस अल्फा स्क्वायर ही कर रहा हूँ, इज इक्वल टू वन मैंने कर दिया। तो देखो तो ये क्या है, सर्किल का इक्वेशन है। इस सर्किल का सेंटर क्या है, अल्फा अल्फा। इस सर्किल का सेंटर है अल्फा अल्फा, रेडियस है वन। बोलो तो अल्फा अल्फा अगर है तो इसका मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट भी अल्फा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ सर्किल का जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स पे ना, y इक्वल टू एक्स पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं एक y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करूं, दिस इज द y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। अच्छा, तो इस लाइन को लेके मैंने क्या किया, मैंने कुछ सर्किल ड्रॉ किया। अच्छा, कुछ सर्किल ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है वन, जिसका रेडियस है वन। हाँ, जिसका रेडियस है वन, ठीक है। देखो सभी सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, लाई ऑन द वाई इक्वल टू एक्स। तो वाई इक्वल टू एक्स होने पे क्या होगा, जो वाई का वैल्यू है वही एक्स का वैल्यू है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे सेंटर क्या होगा, अल्फा अल्फा। अल्फा तो मुझे मालूम नहीं है, तो असल में एक को, ये जो सर्कल है ये असल में क्या है, ये तुम्हारा एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब सर्कल का फैमिली, मतलब बहुत सारा सर्कल एक साथ में इनफाइनाइट सर्कल है। तो यहाँ पे ऐसे बनते जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल और बनेगा और एक सर्कल, ऐसे सर्कल बनते जाएगा, ठीक है, ऐसे सर्कल बनते जाएगा। फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल है। अब मानो ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है, इस फैमिली ऑफ सर्कल को कोई कर्व टच करके निकल जा रहा है। यहाँ पर पिक्चर में परफेक्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने छोटा बड़ा सर्कल कर दिया था, अदरवाइज तुम देख पाओगे एक लाइन उसको टच करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो लाइन फैमिली ऑफ सर्कल को टच करके निकल जाएगा, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, माने या फिर उस कर्व को हम लोग बोलते हैं एनवेलप। देखो तुम लोग टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट जानते हो, किसी एक कर्व का टेंजेंट लाइन क्या होता है, किसी एक कर्व का टेंजेंट क्या होता है कि वो कर्व को उस पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग टेंजेंट का ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बट टेंजेंट किसका, टेंजेंट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो देखो मैंने पहले पिक्चर को सही करने के लिए मैंने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ कर लिया है,
अब इस कार्व में क्या खासियत है, ये जो पिंक वाला कार्व मैंने ड्रॉ किया ना, ये पिंक वाला कार्व में एक खासियत है, ये पिंक वाला कार्व क्या कर रहा है, पिंक वाला कार्व का हर एक पॉइंट, जैसे ये वाला एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट पे टच किया है, इस पॉइंट पे टच किया है, इस पॉइंट पे टच किया है, इस पॉइंट पे टच। अब कोई मुझे बोलेगा सर इस पॉइंट पे तो टच नहीं किया, इस पॉइंट पे भी टच किया है, बट मैंने वो कर्व नहीं ड्रॉ किया है, क्योंकि बहुत सारा एक साथ कर्व ड्रॉ करूंगा ना, बहुत सारा कर्व ड्रॉ करूंगा तो दिखने में खराब लगेगा, वो ऐसे कितना ड्रॉ करूं मैं, बहुत सारा ड्रॉ हो जाएगा एक साथ, देखने में खराब लग रहा है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कार्व्स जो है, उस कार्व को कोई एक पर्टिकुलर कार्व उसको टच करके निकल जा रहा है, वो जो पर्टिकुलर कार्व है इसको हम लोग आपसे क्या बोलेंगे, एनवेलप, किसका एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कार्व। ठीक है, एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कार्व, मान लो कि ये जो कर्व है सर, ये फैमिली ऑफ कार्व का इक्वेशन क्या है, मान लो मैंने बोला एक्स वाई अल्फा, अल्फा माने अल्फा इज ए पैरामीटर, जैसे यहाँ पे अल्फा क्या था, अल्फा इज ए पैरामीटर, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा तुम्हारा पैरामीटर है इस कर्व के लिए, मानो पैरामीटर है अल्फा वन, इस कर्व के लिए मानो पैरामीटर है अल्फा टू, इसके लिए अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा फाइव एंड सो ऑन, अल्फा एन एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक एक पैरामीटर चेंज करोगे तो उसके लिए कर्व भी चेंज होगा, तो ये फैमिली ऑफ कर्व बन गया। उस फैमिली ऑफ कर्व को जो कर्व टच कर रहा है, क्या मैं बोलूं कि एनवेलप इज ए कर्व, एनवेलप इज ए कर्व, वो कैसा कर्व है, उस जो कर्व है एनवेलप, जो कर्व होता है उसके हर एक पॉइंट पे, कर्व के हर एक पॉइंट पे तुम देखना, वो फैमिली ऑफ कर्व का कोई ना कोई कर्व उसको टच करके निकल गया है, कोई ना कोई इसको टच करके निकल गया है। डेफिनेशन क्लियर हो रहा है एनवेलप का क्या है, क्या बोल लो, क्लियर हो रहा है ना, एनवेलप क्या है सर, एनवेलप है एक सर कर्व, एनवेलप एक कर्व होता है, एनवेलप किसका होता है, फैमिली ऑफ कर्व का होता है सर। एनवेलप जो कर्व है उसमें क्या कैरेक्टर होता है, एनवेलप कर्व का कैरेक्टर होता है कि वो फैमिली ऑफ कर्व को क्या करता है, एनवेलप क्या होता है, एक कर्व होता है जिस कर्व का हर एक पॉइंट कोई ना कोई फैमिली ऑफ कर्व को टच किया है। ठीक है, तो यह है एनवेलप, चलो आप डेफिनेशन लिखेंगे। अच्छा ये मैंने समझा दिया, अच्छा ये मैंने समझा दिया, अब डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखना, ठीक है देखो डेफिनेशन, consider a one parameter, family of प्लेन कर्व्स, माने तुमको कंसीडर क्या करना है, कर्व तो कंसीडर करना है फैमिली ऑफ कर्व, बट किस फॉर्मेट में, वन पैरामीटर, एक से ज्यादा पैरामीटर नहीं होना चाहिए सर। एक कर्व है ऐसा एफ एक्स वाई अल्फा एंड बीटा, ये जो कर्व है ना, इस कर्व का ये क्या है, ये टू पैरामीटर है, अल्फा बीटा दो पैरामीटर है। तो अभी हम लोग जो काम करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारा काम हो रहा है कि वन पैरामीटर जो फैमिली ऑफ कर्व होगा, प्लेन कर्व में, प्लेन में बना रहा हूं ये बोर्ड जो प्लेन है, इसमें मैं कोई कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये प्लेन पैरामेट्रिक कर्व हो गया। ठीक है, फैमिली ऑफ प्लेन पैरामेट्रिक कर्व, तो वन पैरामीटर ध्यान में रहना है कि पैरामीटर जो है अभी क्या है, वन है। कंसीडर ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स डिफाइंड बाय द इक्वेशन, डिफाइंड by the equation, one parameter family of curve है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, by the equation f of x y, और एक parameter है alpha, उसको मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, f of x y alpha,
ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, ये जो इक्वेशन बना, हाँ, f of x square equal to alpha, तो इसमें अल्फा क्या है सर, वायर अल्फा इज ए पैरामीटर, वायर अल्फा इज ए पैरामीटर, वायर अल्फा इज ए पैरामीटर, ठीक है, इसको नंबर वन बोल दो, ये जो इक्वेशन है ना, इसको क्या बोल दो, नंबर वन बोल दो, ठीक है। मैंने एक वन पैरामीटर कर्व लिया है सर, वन पैरामीटर कैसा कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व क्यों, कारण अल्फा के जगह पे अल्फा वन पुट करोगे तो एक कर्व, अल्फा टू पुट करोगे तो दूसरा कर्व, अल्फा थ्री पुट करोगे तो तीसरा कर्व, पैरामीटर ये चेंज होगा, ये वेरिएबल पैरामीटर है यार, अल्फा ये वेरिएबल पैरामीटर, ठीक है, वेरिएबल पैरामीटर, पैरामीटर जनरली वेरिएबल होता है क्योंकि जनरली अगर पैरामीटर कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग वहां पे मेंशन कर देते कि द पैरामीटर इज कॉन्स्टेंट, अदरवाइज जब मैं पैरामीटर बोल रहा हूँ तो वेरिएबल होगा। तो कंसीडर ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स डिफाइंड बाय द इक्वेशन, ये इक्वेशन से डिफाइन किया गया है जिसमें एक्स वाई तो वेरिएबल है और ये क्या है, अल्फा है पैरामीटर, एक्स वाई वेरिएबल माने ये जो कर्व होगा एक्स और वाई माने टू डायमेंशन में हो जाएगा, माने एक प्लेन में बनेगा ये कर्व, तो इसीलिए प्लेन कर्व है, ठीक है। प्लेन कर्व होता है, सरफेस कर्व होता है, सरफेस कर्व माने जो कर्व 3D में बनता है, मानो कि कोई वायर है वो 3D में बन रहा है तो वो क्या हो गया, स्पेस कर्व। अब स्पेस कर्व का भी एक एनवलप होता है, बट वो जो एनवलप होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसमें नहीं होगा, प्लेन में नहीं होगा, और वो जो तुम्हारा प्लेन में नहीं होगा तो इसको हम लोग नहीं कर सकते अभी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में जो काम है वो तुमको क्या करना है, वो प्लेन कर्व के लिए बोला गया है, माने जो कर्व तुम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो, स्पेस कर्व अगर है तो वो यहाँ का काम नहीं है। अच्छा, वो फर्दर हम लोग कर सकते हैं, एनवलप भी है, कर्वेचर भी है, ईच एंड एवरी टॉपिक्स, वो प्लेन कर्व क्या, वो तुम्हारा एन डायमेंशन तक जा सकता है, ठीक है, बट जो तुम्हारा स्पेस कर्व है उसके लिए एनवलप कर्वेचर जो है वो जनरली वो MSC में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखो, कंसीडर ए वन पैरामीटर फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस, वायर अल्फा इज ए पैरामीटर, नेक्स्ट क्या लिख रहे हो कि द एनवेलप ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व, माने जो फैमिली ऑफ कर्व है, ये फैमिली ऑफ कर्व इसलिए है क्योंकि अल्फा पैरामीटर है, अल्फा चेंज तो कर्व का नंबर से कर्व चेंज होगा, तो द एनवेलप ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स इज ए कर्व, जो एनवेलप होता है ना वो किसी फैमिली ऑफ कर्व का होता है, और एनवेलप भी अपने आप में एक कर्व ही है, बट वो कर्व में खासियत क्या होता है, इज ए कर्व सच दैट एट ईच पॉइंट, माने जो एनवेलप का पॉइंट होता है ना, जो कर्व है एनवेलप जिस कर्व को तुम बोल रहे थे, जैसे यहां पे देखो मैं एनवेलप बोल रहा था किसको, इस कर्व का जो पॉइंट्स है, इस कर्व का पॉइंट्स है ना, इस कर्व का हर एक पॉइंट पे देखना वो फैमिली ऑफ कर्व को क्या करेगा, टच करेगा, तो क्या बोल रहा है कि द एनवेलप ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व्स, ये जो फैमिली ऑफ कर्व है, इज ए कर्व सच दैट एट ईच पॉइंट इट टचेस टेंजेंशियली वन ऑफ द कर्व्स ऑफ द फैमिली वन, ये वन जो फैमिली है उस फैमिली को क्या करेगा, टच करेगा। इसमें तुम लोग एक काम करो, ये पिक्चर ड्रॉ कर लो, यहाँ पे जो पिक्चर है उस पिक्चर को ड्रॉ करना, यहाँ पे सॉरी ऐसे बनाओ पिक्चर, इसके बाद यहाँ पे
ऐसे कुछ ले लिया, यहाँ पे जो कर है इसको ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा है फैमिली ऑफ कार्ब्स। ये फैमिली ऑफ कार्ब का सर इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कार्ब इज एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कार्ब, एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू जीरो। सर ये जो फैमिली ऑफ कार्ब है इसका मतलब अल्फा वन पुट करोगे, मानो कि अल्फा वन पुट करने में एक कार्ब मिलेगा, अगर तुम अल्फा टू पुट करोगे तो दूसरा वाला मिलेगा, सपोज अल्फा थ्री के लिए तीसरा वाला मिलेगा। ऐसे अल्फा एन पुट करने से ये मिलेगा, अल्फा एन प्लस वन पुट करने में ए वाला मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, क्या बोल रहे हो? दिस इज द एनवेलप, दिस इज द एनवेलप ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा, जो फैमिली ऑफ कर्व है, जो फैमिली ऑफ कर्व है यहाँ पे, ठीक है, जो फैमिली ऑफ कर्व है। देखो तो ये बात मैंने ये किया सर, तो एनवेलप कैसे निकाले? जैसे सेम बात हम लोग जब कर्वेचर पढ़े थे तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कर्वेचर का मतलब क्या होता है, कोई कर्व का किसी पॉइंट पे उसका जो बेंडिंग का मेजरमेंट होता है कि वो किस हिसाब से बेंड हो रहा है, उसका जो मुड़ने का जो रेट है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं कर्वेचर के हिसाब से। बट जो कैलकुलेशन वाइज हम लोग जो कर्वेचर निकालते हैं उसके लिए तो कुछ फॉर्मूलाज होता है, सेम बात उसको की वर्किंग रूल है। जैसे अभी हम लोग समझे कि सर एनवेलप सर एक कर्व होता है, वो एक फैमिली ऑफ कर्व के लिए, वो ऐसा कर्व जिस कर्व के हर एक पॉइंट पे फैमिली ऑफ कर्व टच होता है। तो सर ये एनवेलप कैसे निकाले, माने फैमिली ऑफ कर्व अगर दिया गया मुझे तो एनवेलप को कैसे निकाले, तो वही बात अभी हम लोग देखेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट उतना कुछ नहीं है, अभी समझा दिया, अभी सिर्फ क्वेश्चन है। कर्वेचर में बहुत सारा कुछ कॉन्सेप्ट था बट यहाँ पे उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बट क्वेश्चन डिफरेंट 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 काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एक चैप्टर है, इसमें भी एक क्वेश्चन हर एक साल ऑलमोस्ट आता है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो एनवेलप, तो मेन तो बात है कि एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है जो जिसमें पैरामीटर एक है एफ एक्स वाई अल्फा, तो ये जो अल्फा है ना पैरामीटर, तुमको क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन है उसको लिखो और उस इक्वेशन को उसमें जो पैरामीटर इन्वॉल्व है उस पैरामीटर के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव करो अल्फा के हिसाब से। यहाँ पे पैरामीटर अल्फा है तो अल्फा के हिसाब से करना है। तो देखो प्रोसीजर क्या है, द पैरामेट्रिक, देखो द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एनवेलप ऑफ द एनवेलप द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द एनवेलप आर डिफाइंड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन क्या था तुम्हारा, एक इक्वेशन तुमको दिया जाएगा, जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू जीरो, और यहां पे तुमको क्या करना है, तुमको इसी इक्वेशन का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, किसके हिसाब से, अल्फा के हिसाब से, माने डेल एफ डेल अल्फा, ठीक है, डेल एफ डेल अल्फा। यहां पे एफ क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई अल्फा, ठीक है, डेल एफ डेल अल्फा, पार्शियल डेरिवेटिव करना, चलो ऐसा कुछ। तो ये जो दो इक्वेशन आया, पहला जो है क्वेश्चन में गिवन रहेगा और इसको तुमको पार्शियल डेरिवेटिव करके एक रिलेशन लाना है। अब तुम्हारा काम क्या है, ये दोनों में, ये दोनों जो इक्वेशन आया इसमें से जो पैरामीटर है अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा इज ए पैरामीटर, इस पैरामीटर को तुमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है,
एलिमिनेट करना है। अच्छा एलिमिनेट करना है मैंने उसको रिमूव कर देना है, और जो रिलेशन आएगा वो एक एक्स वाई का रिलेशन आएगा तो वो बन जाएगा एक कर्व, और वो जो एक कर्व होगा वो पर्टिकुलर एक कर्व होगा क्योंकि अल्फा एलिमिनेट हो चुका है, पैरामीटर एलिमिनेट हो चुका है, तो एक पर्टिकुलर कर्व बन जाएगा। तो जो कर्व होगा वो कर्व क्या होगा तुम्हारा, वो होगा तुम्हारा एनवेलप ऑफ द गिवन कर्व ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व, वो कर्व होगा एनवेलप ऑफ द गिवन एनवेलप ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व। लिखो यहाँ पे कि तो ये जो इक्वेशन है इसको एक कर दिया एरो से नाम दे, दैट इज बाय द ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज बाय द ओरिजिनल इक्वेशन, दैट इज बाय द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एंड द इक्वेशन ऑब्टेन बाय एंड द इक्वेशन ऑब्टेंड बाय एंड द इक्वेशन ऑब्टेंड बाय डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग द ओरिजिनल इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑब्टेंड बाय डिफरेंशिएटिंग द ओरिजिनल इक्वेशन द ओरिजिनल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अल्फा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर अल्फा डिफरेंशिएट पार्शियली करना है। अच्छा डिफरेंशिएटिंग द ओरिजिनल इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ द पैरामीटर अल्फा, देन एलिमिनेटिंग then eliminating the parameter alpha from these equations we can get the equation of the envelope, in explicit or implicit form, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है एक्स वाई वाई एक्स में लिखा जाएगा या नहीं मिला लिखा जाएगा, और implicit form, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कर रहा हूँ तो तुमको क्लियरिटी आएगा सर कैसे काम करना है, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। पहले क्वेश्चन लो, देखो मैंने पहले बोल दिया कि एनवेलप क्या होता है सर, एनवेलप हम लोग निकालते हैं, पहले जो बात है एक वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ प्लेन कर्व्स है उसमें अल्फा एक पैरामीटर है। अच्छा तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इसको जस्ट मैंने एक समझाने के लिए एक फैमिली ऑफ कर्व बनाया है, ऐसा नहीं है कि ये फैमिली ऑफ कर्व इसी का ही है, इसको समझाने के लिए मुझे तो पिक्चर ड्रॉ करना ना, तो मैंने मान लिया कि फैमिली ऑफ कर्व देखने में ऐसा है। तो सर इसका एनवेलप क्या होगा, इसका एनवेलप ज्योमेट्रिकली क्या होगा, एनवेलप माने एक कर्व जो क्या करता है उस कर्व के हर एक पॉइंट उस फैमिली ऑफ कर्व को टच करता है, और जब हम लोग निकालने जाएंगे उसका एनवेलप तो जो फैमिली ऑफ कर्व है उसमें जो पैरामीटर है उस पैरामीटर से हम लोग क्या करेंगे उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, दो रिलेशन आएगा। अब दो रिलेशन में अल्फा को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करने से जो कर्व आएगा वही तुम्हारा क्या होगा एनवेलप होगा, वो कर्व इम्प्लिसिट फॉर्म में भी हो सकता है एक्सप्लिसिट फॉर्म में हो सकता है कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लो, फाइंड द एनवेलप Find the envelope of the family of circles
फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन बाय फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन बाय द इक्वेशन गिवन बाय द इक्वेशन x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी बीटा होल स्क्वायर नहीं होगा बीटा होल स्क्वायर नहीं होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये तुम्हारा क्या है फैमिली ऑफ सर्कल्स है क्योंकि अल्फा यहाँ पे पैरामीटर है तो पैरामीटर चेंज होगा तो सर्कल का इक्वेशन सर्कल चेंज होते जाएगा एक सर्कल मिलेगा सर्कल ही आएगा बट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कल आएगा ठीक है। तो ये जो एनवेलप मुझे क्या करना है मुझे इस फैमिली ऑफ सर्कल का एनवेलप निकालना है। तो पहले मैं मैथमेटिकल काम करना है बट मैं कुछ पहले दो तीन क्वेश्चन के लिए मैं उसका पिक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा ताकि तुम लोगों को क्लियरिटी आ जाए सर एनवेलप क्या होता है इसका मैं पिक्चर ड्रॉ करूंगा फैमिली ऑफ सर्कल का और उसके साथ उसका जो एनवेलप आएगा मैं भी पिक्चर में दिखा दूंगा कि वो जो एनवेलप है जियोमेट्रिकली उसका मतलब क्या है वो कौन सा कर्व है। अच्छा बट एग्जाम के टाइम तुमको सिर्फ एनवेलप निकालना पड़ता है तुमको पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा एनवेलप कैलकुलस का यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे यहाँ पे पिक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम लोग दो तीन क्वेश्चन में वो पिक्चर इसलिए ड्रॉ करेंगे ताकि वो टॉपिक्स हम लोगों को अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे पहले क्या लिखोगे पहले जो सर्कल है माने फैमिली ऑफ सर्कल तो लिखो द गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स द गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर वाई माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा क्या है यहाँ पे अल्फा है तुम्हारा पैरामीटर इसको नंबर 1 दे दो पर अल्फा इज ए पर अल्फा इज ए पैरामीटर ठीक है। तो ये जो नंबर 1 को अब हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट क्या मिलेगा अल्फा के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव करो ये तो पावर में है तो दैट मीन्स 2x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा अल्फा के हिसाब से कर रहे हो हाँ तो माइनस 1 आएगा एक यहाँ पे माइनस 1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस अल्फा और यहाँ पे आएगा माइनस 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो देखो तो 2 कैंसिल हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस भी कैंसिल हो जाएगा माइनस वन दोनों में आएगा तो यहाँ पे क्या है एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे होगा प्लस वाई माइनस अल्फा इज जीरो। तो देखो तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है सर अल्फा का वैल्यू आ रहा है 2 अल्फा माने एक्स प्लस वाई तो अल्फा आएगा आपका एक्स प्लस वाई बाई 2 अल्फा आएगा एक्स प्लस वाई बाई 2 तो ये अल्फा आ गया और ये क्या है फैमिली ऑफ सर्कल। तो ये जो 1r2 है 1r2 में क्या करो अल्फा को एलिमिनेट कर दो तो क्या लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एलिमिनेट करने का मतलब क्या है यहाँ से तुम अल्फा लेके वहां पे पुट कर दो तो लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1 वी गेट क्या मिलेगा x माइनस अल्फा दैट मीन्स x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर वाई माइनस x प्लस वाई बाई 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें कैलकुलेशन करके देखो क्या आ रहा है
कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में 2x आ रहा है माइनस एक्स, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, नीचे में 2 स्क्वायर आएगा मान 4 आएगा, उस तरफ कर देंगे। अच्छा यहाँ पे होगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 जाएगा उस तरफ, 2 जाएगा उस तरफ तो क्या होगा 2 स्क्वायर माने 4। तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर और y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जो y माइनस x का होल स्क्वायर है वो आएगा तुम्हारा 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे y माइनस x क्या आएगा प्लस माइनस रूट 2, y माइनस x क्या आएगा प्लस माइनस रूट 2, दैट मीन्स y माइनस x इज रूट 2 एंड y माइनस x इज माइनस रूट 2 माइनस रूट 2। सर वहाँ 2 कहाँ से आया, 5 का कहाँ पे 2, ये वाला 2, ये वाला हाँ, ये तो 2 टाइम्स है, दो बार है ना। अच्छा अच्छा हाँ, a माइनस b का होल स्क्वायर या फिर b माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो तो देखो हम लोग का एनवेलप मिल चुका है, एक एनवेलप ए है, एक एनवेलप ए है, सर एनवेलप दो आया, तो हाँ दो आया, दो दो कर्व आया ना, दो ए क्या है बोलो तो, ये दोनों क्या क्या कर्व है कोई बोल पाओगे, ये दोनों क्या कर्व है, ये दोनों क्या कर्व है, ये दोनों क्या कर्व है, नहीं बोल पाओ, कोई नहीं बोल पाओगे, ये दोनों क्या नाम है इसका, इसको तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, बट उससे पहले एक काम कर लेते, क्या था कर्व, क्या था एनवेलप निकल चुका है, अच्छा एनवेलप निकल चुका है सर, कर्व क्या था, कर्व था सर्किल, अल्फा सेंटर क्या है, अल्फा अल्फा रेडियस है वन, वन रेडियस का कर्व है, देखो पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इसका, इसका पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो वन रेडियस का क्या स्फीयर है, सॉरी सर्कल है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सेंटर अल्फा अल्फा है ना, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा, सॉरी ये लाई करेगा वाई इक्वल टू एक्स पे, वाई इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा सर, y इक्वल टू एक्स पे, अच्छा जो सर्किल है वो ठीक ठाक से बनाना पड़ेगा मुझे, तो सर्किल बनाने के लिए मैं एक काम करूँगा, मैं पहले से लाइन भी बना लूँगा, नहीं तो पिक्चर देखने में गलत हो जाएगा, पिक्चर थोड़ा सा सही रखने के लिए मैं यहाँ पे पहले लाइन बना लूँगा, यहाँ पे रूट टू से जाएगा ना, देखो ये है तुम्हारा, मैंने पहले सेंटर जो जिस लाइन पे लाई करेगा वो बना लिया, और इसके अंदर अब सर्कल बनाना है, नहीं तो पिक्चर में दिक्कत हो जाएगी, क्या सर्कल छोटा बड़ा हो जाएगा तो मैं अटैच नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैंने पहले ही सर्कल बना लिया। अब देखो अब सर्कल में बना रहा हूँ, यहाँ पे
थोड़ा सा रुक जा। कॉफी चलो देखो थोड़ा सा वो कुछ सर्कल बनाया है, यहाँ पे कुछ सर्कल ऐसे बन चुका है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो सर, ये क्या है सर, ये वाई क्वाल्टू एक्स है लाइन। तो सर वाई क्वाल्टू एक्स माने जो ये जो कोऑर्डिनेट है सेंटर का, ये क्या है, ये सब अल्फा अल्फा है। अल्फा तो पैरामीटर है, वो तो चेंज होगा, अल्फा तो पैरामीटर है चेंज होगा, अल्फा पैरामीटर है वो चेंज होगा, ठीक है। तो सर फैमिली ऑफ सर्कल अंदर में कितना सर्कल है, इनफाइनाइट सर्कल है, बहुत सारा ऐसा सर्कल है। और तुम देख पा रहे हो यहाँ पे जो लाइन है सर, y माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट टू, ये देखने में कैसा होता है, इसको अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, y माइनस एक्स को लिखो x प्लस रूट टू। तो देखो तो तुम जब x के जगह पे जीरो पुट करोगे, x के जगह पे जीरो पुट करोगे y का वैल्यू रूट टू, x जब जीरो हो तो y क्या है रूट टू, x जब जीरो तो y है रूट टू, माने यहां से पास करेगा, वो यहां से पास करेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है इसका, इस कोऑर्डिनेट को जानते हो कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये जीरो कॉमा रूट टू है, ठीक है। तो जीरो कॉमा रूट टू है, ये आ जाएगा। तो सर यहाँ पे क्या होगा, ये जो कर्व है अगर आप इसको देखने जाइएगा, तो अगर आप इसको देखिएगा तो क्या होगा, मैं बोला इसको अगर मैं देखूंगा ना, तो ये क्या है y, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू x माइनस रूट टू, माने स्लोप जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप जो है वो तो m, स्लोप वन तो है एम एक्स, माने m का रोल कौन प्ले कर रहा है, वो वन प्ले कर रहा है, और c के जगह पे कौन माइनस रूट टू, माने x के जगह पे जीरो पुट करोगे तो देखो माइनस रूट टू। तो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा जीरो माइनस रूट टू, ठीक है। तो एक पॉइंट तुमको मिल गया, अब उससे वन स्लोप का एक लाइन बना लो, दो लाइन बना लो, तो देखो ये आ जाएगा। तो ये मेरा जो फैमिली ऑफ सर्कल है, अंदर में जो सब फैमिली ऑफ सर्कल था, अंदर में जो सब फैमिली ऑफ सर्कल था, इसका एनवेलप देखो दो आया है, एक एनवेलप ये लाइन है और एक ये वाला लाइन है, ये दो लाइन, ये दो लाइन है मेरा एनवेलप, ठीक है, दो लाइन है मेरा एनवेलप। आंसर देखो यहाँ पे आंसर आया था, यहाँ पे आंसर आया था एनवेलप, ये एनवेलप है एक तो, ये एनवेलप है एक तो। बोलो पिक्चर से क्लियर हुआ, एनवेलप चीज, एनवेलप किस चीज को बोला जाता है, एनवेलप किस चीज को बोला जाता है। क्वेश्चन में मुझे फैमिली ऑफ सर्कल दिया गया था, उस फैमिली ऑफ सर्कल को मैंने अल्फा से पार्शियली डेरिवेटिव किया, अल्फा का वैल्यू सपोज आ गया, उस अल्फा को मैंने जब पुट कर दिया तो देखो मेरा दो इक्वेशन आ गया। सर ये दो इक्वेशन क्या है, ये एनवेलप का होता है, यहाँ पे पिक्चर में उसको ड्रॉ किया तो मैंने देखा वो फैमिली ऑफ सर्कल को ये दो लाइन टच कर रहा है, तो ये दो लाइन एनवेलप हो गया, ठीक है। पिक्चरली बोल दिया ताकि तुम लोगों को क्लियरिटी आ जाए, बट ये पिक्चर ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग एक दो क्वेश्चन में ऐसे करेंगे क्योंकि वो चैप्टर को समझने के लिए आसानी पड़ जाए। बोलो ठीक है, तो सबको ठीक है, तो अब चले जाओ नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट जगह पे फाइंड द एनवेलप, फाइंड द एनवेलप, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द एनवेलप
ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी ये लाइन कोई जानते हो ये कौन सा लाइन है? लाइन का बहुत सारा फॉर्म पढ़े थे ना, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े हो, उसके बाद क्या पढ़े हो, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े हो, उसके बाद क्या था, ए फॉर्म क्या था, कोई मुझे बोलोगे? नॉर्मल फॉर्म ना, एक्स साइन अल्फा क्या बोलो, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा क्या फॉर्म होता है? नॉर्मल फॉर्म। तो ये लाइन का फॉर्म नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? क्लास 11 या 12 में था। अगर ये कोई लाइन है सपोज इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका यहां से मानो कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये तुम्हारा P है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बोलो तो? P। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? P। परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, ठीक है, P। P। और ये एंगल अगर अल्फा करता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, लाइन का नॉर्मल फॉर्म। तो देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को लेते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, द गिवन स्ट्रेट लाइंस एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट एक्स माइनस एक्स साइन अल्फा वाई कॉस अल्फा जीरो। तो देखो, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बना पा रहे हो इसमें कुछ? अगर यहाँ पे क्या रहा है, एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या रहा है? अगर मैं एक्स अपॉन कुछ करूँ या फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये वाई ये एक्स। अब इस रेशियो को मैंने क्या किया, देखो ऊपर में स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, नीचे में भी स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया। अच्छा, स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो, रूट भी कर दोगे तो क्या होगा, रूट भी कर दो तो देखो तो क्या आ रहा है सर, साइन अल्फा बाय वाई कॉस अल्फा बाय एक्स इज वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
देखो यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, साइन अल्फा इज वाई बाई रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस अल्फा इज एक्स बाई रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो तो ये जो साइन अल्फा कॉस अल्फा है तो सर अल्फा को एलिमिनेट करना है, तो अल्फा को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, अल्फा को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे बोलो, तो अल्फा को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे, कोई बोल पाओगे अल्फा को एलिमिनेट करना है तो क्या करोगे? बस बोथ साइड ले लेंगे। हाँ क्या करोगे? साइन अल्फा में इक्वल्स टू में सर उधर साइड बोथ साइड ले लेंगे साइन इनवर्स, तो इसमें साइन अल्फा आ जाएगा सर, और इसमें भी कॉस इनवर्स ले लेंगे बोथ साइड। क्यों इनवर्स क्यों लोगे तुम, डायरेक्ट पुट कर दो ना कॉस। यहाँ पे देखो तुम सुनो, यहाँ पे x cos अल्फा y sin अल्फा p है ना, ये फैमिली ऑफ कर्व है। हम लोगों ने क्या बोला था, जो फैमिली ऑफ कर्व है और जो तुमको मिला sin अल्फा या फिर कुछ भी मिला है अल्फा से, तो तुम उस sin अल्फा का वैल्यू और cos अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पुट कर दो, बट कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं जानते हो, कभी कभी हम लोग बहुत सारे टाइम में क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं, मानो कि sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 इसको यूज करते हैं, बट इसको यूज करने से यहाँ पे नहीं होगा, कारण ये आइडेंटिटी यूज करके तुम्हारा ये आया है। देखो यहाँ पे यूज किया है हम लोगों ने, तो सर इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, इसको यूज कर अगर करोगे ना तो देखना दोनों साइड में 1 = 1 आ जाएगा, कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा का जो वैल्यू है वो हम लोग गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे, देन वन इम्प्लाइज जो वन इक्वेशन था, वन क्या इंप्लाई कर रहा है सर, एक्स कॉस अल्फा था, वन में क्या था, वन था एक्स कॉस अल्फा, तो एक्स कॉस अल्फा माने एक्स बाई रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ आर है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, वाई कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा और वाई साइन अल्फा, वाई साइन अल्फा, तो वाई साइन अल्फा माने वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वहाँ पे क्या है ये 4 था, 4 द गिवन स्ट्रेट लाइन 4 है, वो पी कैसे आ गया यहाँ पे, अरे ये 4 होगा क्वेश्चन में, 4 होगा, मैं यहाँ पे मैं समझाने के लिए बोला था कि पी होता है, बट क्वेश्चन में पी के जगह पे क्या दिया गया है, पी के जगह पे क्या दिया गया है, 4, ये 4 दिया गया है, अच्छा पी का वैल्यू 4 दिया गया है, तो देखो क्या आ रहा है 4, कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, नीचे में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 4, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ स्क्वायरिंग कर दो तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, नीचे में रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, देखो 16 आएगा, बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दिया है, एक तो कैंसिल हो जाएगा 16 आ जाएगा, व्हिच इज द रिक्वायर्ड, देखो व्हिच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप, सर इसका पिक्चर कैसे होगा, ये जो एनवेलप है इसका पिक्चर कैसे होगा, इसका पिक्चर देखोगे, देखो इसका पिक्चर देखोगे यहाँ पे, देखो एक काम करेंगे, एक 4 रेडियस का सर्किल बना लेंगे, एक 4 रेडियस का सर्कल बना लेंगे, एक 4 रेडियस का एक सर्कल है, हाँ एक 4 रेडियस का एक सर्कल है, अब क्या करना है, इस ए एनवेलप है सर, यहाँ पे जो सर्कल आया ना वो आपका एनवेलप है, सर्कल एनवेलप है, माने ए मेरे लिए एनवेलप है, ए मेरे लिए एनवेलप है, किसका एनवेलप है, ये एनवेलप है किसका सर, ये एनवेलप है एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का,
जो स्टेटाइन नॉर्मल फॉर्म में था। तो देखो मैं क्या करूंगा इसको समझाने के लिए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो क्या करेगा सिर्फ इसको टच करे निकल जाएगा। सॉरी ये तो सर्किल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, देखो उसको टच करके निकल जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन होगा, अब जब टच करेगा तो रेडियस उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 4 ही होगा, क्योंकि जो सर्कल है 4 रेडियस का सर्कल है। यहाँ पे एक टच करा दिया, या फिर ऐसे एक टच करा दिया, मानो दूर में चला जाएगा, जाने दो दूर में, ऐसे टच करा दिया। और इसको अगर ये करोगे यहाँ पे कुछ टच कराने का मन कर रहा है, सर यहाँ पे टच करा के करिए, यहाँ पे टच करा के करोगे, सॉरी ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ देख पा रहे फैमिली ऑफ। तुम बोलोगे सर ये जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो टच टेंजेंट जो होता है सर्किल को, कोई लाइन सर्किल को टच कर रहा है तो सर्किल कोई लाइन सर्किल को टच कर रहा है तो सेंटर से अगर वो टच पॉइंट है उसमें परपेंडिकुलर वो लाइन ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन है ना, ये देखना ये परपेंडिकुलर होगा, ये सब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, मैंने ये देखना यहाँ पे देखना ये 4 होगा, ये 4 है, इसके बाद यहाँ पे भी क्या है ए भी देखना, एक 4 सब 4 रेडियस का सर, एक 4 रेडियस का सर्कल है ना, ये तुम्हारा क्या है 4 रेडियस का सर्कल है। यहाँ पे भी कुछ बना लेते, देखो यहाँ पे भी कुछ बना लेते हैं ऐसे कुछ, उसके बाद ऐसे कुछ, उसके बाद देखो ये सभी जो सर्क स्ट्रेट लाइन है ये सभी लाइन का जो पी है वो 4 है, सभी लाइन का जो पी है वो तुम्हारा क्या है, पी है तुम्हारा 4, पी है 4, ये सब 4 है, ये पी सब क्या है 4 है, ठीक है। एक बार मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ कारण समझने में आसानी पड़ जाएगा, तब बहुत सारा ऐसे ऐसे सर लाइन कितना बनेगा, इनफाइनाइट लाइन बनेगा ऐसे, क्योंकि सर्किल का एक एक पॉइंट को टच करा के बनाओगे। मैं तो कुछ पॉइंट लेके बना रहा हूँ, कुछ पॉइंट लेके बना रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ क्या टच करके चला जा रहा हूँ। ये तो चला ही जा रहा है, बहुत दूर चला गया, ऐसा कुछ फाइंड द एनवेलप, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा, और अल्फा इज ए पैरामीटर,
अल्फा इज ए पैरामीटर, ठीक है, जहां पे अल्फा पैरामीटर है। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। ये क्वेश्चन लिख लो, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला, फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, परपेंडिकुलर पीएम, परपेंडिकुलर पीएम एंड पीएन, फ्रॉम एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, परपेंडिकुलर PM एंड PN आर ड्रॉन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आर ड्रॉन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोई भी पॉइंट P है जो पैराबोला में है, तुमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। पिक्चर ड्रॉ करने से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एनवेलप, फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन MN, फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन MN, ठीक है, MN स्ट्रेट लाइन का एनवेलप निकालो। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, पैराबोला यहां पे पहले ड्रॉ कर लेते, पैराबोला ड्रॉ कर लिया। ये जो पैराबोला है, मानो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट M है, मानो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, M पॉइंट है, सॉरी M नहीं सर, P पॉइंट है वो, तो P पॉइंट, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया ए टी स्क्वायर कॉमा 2AT। अच्छा क्या ड्रॉ करना है मुझे, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहाँ से, P से, परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करना है, P पॉइंट से, फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला परपेंडिकुलर PM एंड PN। देखो P से परपेंडिकुलर है, एक PM और एक PN, तो यहाँ पे एक क्या करो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो दो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अच्छा दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक ये वाला परपेंडिकुलर और एक ओ वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, एक का नाम दो PM और एक का नाम दो क्या PN, तो M X वाला पार्ट है, अच्छा OX Y, तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, M का कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, ए टी स्क्वायर, देखो P का कोऑर्डिनेट मैंने ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ए टी स्क्वायर कॉमा 280 सर आपने कैसे ले लिया, क्योंकि पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, X इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, तो कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला का लोगे तो X का कोऑर्डिनेट होगा ए टी स्क्वायर और Y का कोऑर्डिनेट होगा 280, तो ए टी स्क्वायर कॉमा 0 और N क्या होगा 0,280, ठीक है, तो देखो ये हो गया सर। किसका एनवेलप किसका निकालना है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन MN, तुमको एनवेलप किसका निकालना है, तुमको एनवेलप निकालना है ऑफ द स्ट्रेट लाइन MN, MN स्ट्रेट लाइन का एनवेलप निकालना है, ये वाला लाइन का,
ये जो एम एन लाइन है, ये जो लाइन है एम एन, तुमको इसका एनवलप निकालना है, एम एन लाइन का। किसका एनवलप निकालना है? एम एन लाइन का, ये लाइन का। अब तुम बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि एनवेलप का मतलब होता है, एनवेलप का मतलब होता है कि फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवेलप होता है। तो सर एक तो एक ही स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि जब पॉइंट चेंज होगा, मानो कि यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गया, मानो पॉइंट यहाँ पे आ गया, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया तो परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे होगा, अब ए वाला लाइन बनेगा। अब इसके लिए एनवेलप एक लाइन आया, ऐसे पॉइंट अगर यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ए, तो यहाँ पे एम एन लाइन कौन होगा? तब ए वाला एम एन लाइन होगा। इस टाइम में एम एन लाइन ये था, ऐसे एम एन लाइन डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो पैराबोला का एक एक पॉइंट के लिए एम एन लाइन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो जो एम एन लाइन का फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, एम एन जो है यहाँ पे, तो उसी का एनवेलप निकालना है। मुझे ये सब पिक्चर से इतना तक ड्रॉ करना है, इतना तक ड्रॉ करने से हो जाएगा। तो एम एन सर, एम एन का एनवेलप निकालना है। अब तक जो एनवेलप निकालना था, जिस जिस का एनवेलप निकालना था, अब तक मुझे जिस जिस का एनवेलप निकालने देता था, उस एनवेलप का, उस जिसका जिसका एनवेलप निकालना था उसका इक्वेशन मुझे दिया जाता था। अब एम एन का इक्वेशन नहीं है, एम एन का इक्वेशन नहीं है, बट एम एन का इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ। एक लाइन का दो पॉइंट अगर मालूम है तो उसका इक्वेशन निकल सकता है। अरे लाइन और कोई नहीं, एक इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म वाला लाइन तुम लोग जानते हो कि एक कोई लाइन है, ये अल्फा है, क्या हो रहा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो गया अभी, ये बीटा है, हाँ कहाँ पे चला जा रहा है सर, इसमें छोड़ो अभी, दूसरा पेज में जाते हैं, ठीक है दूसरा पेज में जाते हैं। देखो तो क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म वाला में क्या होता है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा इज इक्वल टू वन। तो वही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इस लाइन का क्या होगा, एक्स अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन क्या होगा, ये टू, अगर ये टू ए टी है तो इसका मतलब क्या है, ए तो टू ए टी है ना, अगर ए टी स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ए तुम्हारा ए टी स्क्वायर है। तो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे लिखेंगे, बट हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखेंगे क्योंकि उसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। लिखो कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी बी, लेट द कोऑर्डिनेट पिक्चर वहां पे है, पिक्चर यहाँ पे है, ये वाला पिक्चर, ठीक है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी बी एटी स्क्वायर कॉमा 280 पर टी जे, पर टी इज ए पैरामीटर, टी इज ए पैरामीटर, लेट द परपेंडिकुलर पी एम एंड पी एन बी ड्रॉन, लेट द परपेंडिकुलर पी एम एंड पी एन बी ड्रॉन ऑन, लेट द परपेंडिकुलर पी एम एंड पी एन बी ड्रॉन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, तो पी एम मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 80 स्क्वायर कॉमा 0, और इसका होगा 0 कॉमा 280, ठीक है। तो लिखो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, देयरफॉर
the coordinates of the point, therefore the coordinates of the point M and N are at square comma 0 and 0 comma 280. तो देखो तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एम एन जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा सर, एम एन लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एम एन लाइन का इक्वेशन होगा एक इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म माने क्या होगा, एक्स बाय अल्फा माने 80 स्क्वायर और प्लस वाई बाय बीटा माने वाई बाय 280। तो क्या लिखो, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एम एन, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एम एन इज एक्स बाई 80 स्क्वायर प्लस वाई बाई 280 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मेरा क्या, इक्वेशन ऑफ द एम एन, मुझे इसकी क्या है एनवेलप निकालना है। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करो क्या आ रहा है, देखो सर ये आ रहा है 280 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा yt इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2at स्क्वायर माइनस yt माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन mn। सर ये जो इक्वेशन है इसमें पैरामीटर कौन है, t है, इसमें पैरामीटर कौन है, टी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे टी को टी के हिसाब से पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग वन, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली सर प्लस वाई टी होगा ना, हाँ क्या बोलो सर प्लस वाई टी होगा ना, प्लस वाई टी, प्लस वाई टी नहीं उस तरफ ले गया हूँ तो देखो क्या मिलेगा 480 y इज इक्वल टू 0। तो बोलो तो t इक्वल टू क्या आ रहा है y by 4a, तो मतलब t तो मिल गया, अब t को क्या करे, t जब मिल गया तो इसमें पुट कर दो, इसमें अगर t का वैल्यू पुट कर दो देखो हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, देन वन इम्प्लाय, देन वन इम्प्लाय 2a t माने t स्क्वायर y by 4a का होल स्क्वायर माइनस y t y by 4a माइनस 2x। देखो तो यहां पे क्या आ रहा है, कैलकुलेशन करने से आ रहा है यहां पे 2a y स्क्वायर by 16a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर by 4a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 16a स्क्वायर, सर यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये कर दो तो कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन 8a वाई स्क्वायर अपॉन 4a माइनस 2x इज इक्वल टू 0। माइनस 2y स्क्वायर और यहाँ पे हो रहा है 16ax, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, उस तरफ एक तरफ में से कर देते हैं माइनस 16ax आ रहा है क्या, हाँ हुई चीज़ था, देखो हुई चीज़ था इक्वल टू एनवेलप,
which is the required envelope. ठीक है, ये हो गया required envelope. एक क्वेश्चन है देखो, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेंटर ऑफ द सर्किल एंड सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द एलिप्स. देखो क्या बोला गया कि क्या करना है तुमको, एनवेलप निकालना है किसका, फैमिली ऑफ सर्कल्स. कौन सा सर्कल, व्हिच पासेस, जो सर्कल क्या करेगा, पास करेगा कहां से, सेंटर ऑफ द एलिप्स से. अच्छा, एंड एलिप्स के सेंटर से सर्कल पास करेगा एंड क्या, सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करेगा, एलिप्स पे. देखो मैं एक बार पिक्चर ड्रॉ कर दूं तो क्लियर हो जाएगा. पहले क्लिप बना लेते हैं, कहाँ पे, देखो ये क्लिप्स है. अच्छा, इस क्लिप्स का अब मैंने क्या किया है, हाँ एक्सेस ले लो. देखो अब क्या है कि सर्कल क्या बोल रहा है कि सर्कल फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल व्हिच पास थ्रू, जो सर्कल पास होगा वो सेंटर ऑफ द एलिप्स. तो सेंटर ऑफ द एलिप्स तो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द एलिप्स है. और क्या, सर्कल का जो सेंटर है ना वो एलिप्स में लाई करेगा. तो देखो ऐसा सर्कल बनाते हैं सच दैट सेंटर से पास होगा, इलिप्स का सेंटर से सर्कल पास होगा, सर्कल इलिप्स के सेंटर से पास हो रहा है. हाँ, इसका जो सेंटर है ना, इसका सेंटर यहां पे है. देखो तो ये तुम्हारा रेडियस है इसका. तो ये आ गया मेरा क्या, ये पॉइंट यहां पे क्या है, ये पॉइंट है पी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. ये इलिप्स का एनी पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. पी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. सर एनवेलप किसका निकालना है, ये सर्कल का निकालना है. सर ये सर्कल चेंज होगा क्या, हाँ चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट सेंटर चेंज होगा तो सर्कल भी चेंज होगा.
सेंटर अगर चेंज करोगे तो सर्कल भी चेंज होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, जो जिस सर्कल का एनवेलप निकालना है वो सर्कल क्या है, वो सर्कल पास हो रहा है इस इलिप्स के सेंटर से। देखो इलिप्स के सेंटर से पास हो रहा है, इलिप्स के सेंटर से पास हो रहा है, इलिप्स के क्या हो रहा है, इलिप्स के सेंटर से पास हो रहा है। एंड जो सर्कल है ना उसका सेंटर, एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उसका सेंटर लाई कर रहा है तुम्हारा इलिप्स के, इलिप्स पे लाई ऑन द इलिप्स, इलिप्स पे लाई कर रहा है। लिखो सॉल्यूशन, द गिवन इलिप्स इज, द गिवन इलिप्स इज एक्स बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसको नंबर वन बोल दो। लेट पी ए कॉस थीटा, लेट पी ए कॉस थीटा, इलिप्स का एनी पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, लेट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा बी एनी पॉइंट, बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स वन व्हिच इज द, व्हिच इज द सेंटर, व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यही तो, ये जो एनी पॉइंट है इलिप्स का वही तो तुम्हारा क्या है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, ये तुम्हारा सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो अब कोई मुझे पूछ रहा है कि सर किसका एनवेलप निकालना है, सर्कल का निकालना है। तो सर सर्कल का अगर एनवेलप निकालना है तो आपको तो पहले सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे तो क्या चाहिए, मुझे दो चीज चाहिए, सर्कल का सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। रेडियस मिल जाएगा, सेंटर का, सेंटर का कोऑर्डिनेट मालूम है, और देखो एक एक सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट मालूम है, तो रेडियस डिस्टेंस मिल जाएगा और सेंटर मालूम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, लिखो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स माइनस ए कॉस थीटा, एक्स माइनस ए कॉस थीटा, एक्स माइनस ए कॉस थीटा होली स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी साइन थीटा होली स्क्वायर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये वैल्यू कहाँ से मिला, ये रेडियस डिस्टेंस, ए कॉस थीटा माइनस जीरो का होली स्क्वायर, बी साइन थीटा माइनस जीरो का होली स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन करो क्या रहा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस थीटा कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर टू बी वाई साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, सर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तुम्हारा
क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स कॉस थीटा माइनस टू बी वाई साइन थीटा, ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द इलिप्स एंड व्हिच सेंटर लाई ऑन द इलिप्स। इसको नंबर वन दे दो, सॉरी नंबर वन तो वहां पे दिए थे, इसको नंबर टू बोलो, इसको नंबर टू बोलो, ठीक है इसको नंबर टू बोलो। अब क्या करना है सर? सर इस सर्कल में क्या है? थीटा है, थीटा क्या है? थीटा इज ए पैरामीटर, ये जो थीटा है ये पैरामीटर है, तो तुम क्या करो इस थीटा से पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट क्या मिलेगा? x प्लस वाई स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएगा? ये जीरो, और माइनस कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो प्लस टू एक्स साइन थीटा और माइनस टू बी वाई कॉस थीटा, ये सब टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, सेम पुराना जैसा काम है, ये होगा तुम्हारा वाई, ये होगा ए, टू कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा स्क्वायर करके रूट ओवर कर लो, नीचे ऊपर में वन और नीचे में क्या आएगा? कुछ गलती क्या मुझे लग रहा है, वाई तो रहेगा ना, बी वाई एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर, वही काम किया है, स्क्वायर करके ऐड करके रूट ओवर कर दिया है। तो सर यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? साइन थीटा का वैल्यू आएगा बी वाई अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा आएगा ए एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ये साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या करोगे? ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये कहां पे पुट करो? नंबर टू में पुट करो, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू नंबर टू में पुट करोगे ना तो देखो आंसर आ जाए, ये आ जाएगा, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या करो? नंबर टू में पुट कर दो, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है उसको नंबर टू में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? के पुटिंग द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन टू वी गेट क्या था? टू में है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स साइन थीटा, अच्छा सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा माने ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर माइनस टू बी वाई साइन थीटा, माने बी वाई अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर जीरो, देखो क्या आ रहा है, उस तरफ ले चले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट अंडर, तो देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे में आ जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट ओवर, ऊपर में क्या हो जाएगा? टू कॉमन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
टू इसको कैंसिल कर दो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, रूट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या रहेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 अपॉन 1 क्या लिखे इसको, अपॉन 1 लिखने का क्या मतलब है, कैसे रखो इसको ऐसे लिखो, अब बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होली स्क्वायर 4 और क्या 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, वही चीज है रिक्वायर्ड एनवेलप, यही तुम्हारा क्या आ गया, मेरा रिक्वायर्ड एनवेलप व्हिच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप, ठीक है, बोलो समझ पा रहे हो, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर में उतना कुछ है ही नहीं, ठीक है, कर पाओगे इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, हाँ सर कर पाओगे ना, तो अब तुम लोग मुझे बोल सकते हो सर दो पैरामीटर होगा तो क्या होगा, दो पैरामीटर का बात है, दो पैरामीटर का भी बात है, बट वो आज मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने मिक्स्ड अप नहीं किया, अभी जो काम किया वो वन पैरामीटर के लिए किया है, बट दो पैरामीटर जब दिया जाता है ना तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा रिलेशन भी दिया जाता है, मानो कि दो पैरामीटर ए बी है तो ए बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए प्लस बी इज 5 या ए प्लस बी इज 1 ऐसा कुछ दिया रहेगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में काम करूंगा, ठीक है, अभी कितना ये हुआ है, ठीक है अभी तो टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है, तो यहाँ पे रखते हैं, नेक्स्ट जो ट्यूजडे जो क्लास होगा वो तुम्हारा ये चालू करेंगे, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा चालू करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये बहुत एक इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे हम लोग जो जो चीज़ काम करेंगे, सेट रिलेशन एंड मैपिंग, अच्छा एकदम पूरा बेसिक से लेके एकदम पूरा डेप्थ में जितना सारा काम है, एक ऐसा चैप्टर है ना ये मैथमेटिक्स में, एक ऐसा चैप्टर है, ये चैप्टर हर एक जगह में यूज होता है, सेट रिलेशन एंड मैपिंग मतलब रियल एनालिसिस बोलो कैलकुलस बोलो जितना सारा जगह है, सेट रिलेशन मैपिंग का रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा तो ये चैप्टर को हम लोग जो काम है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, तो अभी दो बात चलेगा, एक होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एक होगा कैलकुलस, ठीक है, अभी दो क्लास में ये होगा, मतलब जो पाँच क्लास है उसमें कुछ क्लास सेट रिलेशन मैपिंग का होगा अभी और कुछ क्लास कैलकुलस का होगा, ठीक है।